हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आई डिस्कस कर लेते हैं आज की न्यूज़। आज है 15th ऑफ फेब। सो देख लेते हैं कौन सी न्यूज़ हमें डिस्कस करनी है। पहली न्यूज़ देखिए, सेंटर स्टडिंग प्ली टू बैन PFI। तो PFI एक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है केरला में, तो उस पर बैन की बात चल रही है। तो सेंटर कह रहा है कि हम अभी स्टडी कर रहे हैं, राइट, कि उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं उस पर ये कह रहे हैं कि अभी हम स्टडी कर रहे हैं। और तो जो एनुअल DGPs की जो मीटिंग हुई थी तो उसमें ये बात आई थी, राइट, वहाँ के DGP ने ये बातें कही थी। और अगली न्यूज़ देख लेते हैं। अगली न्यूज़ देखिए, 11,500 करोड़ का स्कैम्स सामने आया है PNB में, राइट। तो CB और ED दोनों ने सेपरेट केसेस को रजिस्टर कर लिया है। और इसमें देखिए, एक जो डायमंड के व्यापारी हैं नीरव मोदी, उनका भी नाम इसमें आया है, राइट। वो भी कह रहे हैं कि इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्वॉल्व है। और तो एक तरीके से बहुत बड़ा ये स्कैम लग रहा है, 11,000 करोड़ का ये स्कैम है, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है कि अनऑथराइज तरीके से इनकी ब्रांचों से इतने पैसे जो है वो दिए गए हैं, इनका मतलब इतने पैसों का ये ट्रांजैक्शन हुआ है, राइट। तो देखना है इसमें क्या होता है, राइट। और सिरिसेना रानिल एग्रीज टू रिजिक कैबिनेट। तो अब ने जैसा कल डिस्कस किया था, वहाँ की जो श्रीलंका की गवर्नमेंट है वो अब थोड़ा सा वहाँ पे इनस्टेबिलिटी आ गई है, राइट, क्योंकि वहाँ पे लोकल इलेक्शन में राजपक्षे जो इन लोगों के अपोजिशन वाले थे उन लोगों ने अच्छी सीटें जीती थी, और वहाँ पे जो इन लोगों का कोएलिशन था उसमें दरार आ गई थी। तो उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि अब ये सिरिसेना और जो रानिल हैं वो कैबिनेट जो है उनका उसमें अब रिशफलिंग के लिए तैयार हो गए हैं, राइट। तो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी जो है हो सकता है इससे ख़त्म हो जाए, ठीक है। अगले देखिए, IIM जो है इंडियन मुजाहिदीन का, कह रहे हैं कि बम मेकर अरेस्ट किया गया नेपाल में। और देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कहा है कि जो सीनियर सिटीज़न है उनको फ्री बस सर्विस देने की बात की है, ठीक है ना। तो इन्होंने पहले कहा था, लेकिन बाद में ये कह रहे हैं कि हम इसको अभी इसकी देख रहे हैं कि ये वायबल है या नहीं है, ठीक है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड अभी इसको इसकी एग्जामिनिंग चल रही है, ठीक है। तो अगर होता है तो बहुत अच्छा है ये। और आपको ये पता होगा, ये तो काफ़ी न्यूज़ में है 3-4 दिनों से, वायरल विंग। तो ये अब एक कंट्रोवर्सी में घिर गई है, इनका जो एक सॉन्ग है उसमें कुछ आपत्तिजनक चीज़ें हैं, राइट। तो उसमें FIR दर्ज कराई गई है महाराष्ट्र मुंबई में। और यहाँ पे कुछ है नहीं। हाँ, ये देखिए, फंड्स पुश फॉर प्रोजेक्ट टू बेनिफिट डिजर्ट एरियाज, राइट। तो डिजर्ट एरियाज को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कह रहे हैं कि ये फंड दिया गया है। तो रिस्ट्रक्चर, इंदिरा गांधी कैनाल जो है राजस्थान में, उसकी रिस्ट्रक्चरिंग का काम चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे लिखा है, ए न्यू लोन एग्रीमेंट फॉर वाटर सेक्टर इज सेट टू बेनिफिट द डिजर्ट एरिया इन राजस्थान थ्रू रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है, इंदिरा गांधी कैनाल एंड फार्मुलेटिंग ऑफ फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम फॉर द रबी ब्यास सतलज एंड घग्गर। तो याद रखिएगा, ये तीनों नदियों के लिए, रबी ब्यास सतलज एंड घग्गर, ठीक है ना। तो घग्गर भी ये राजस्थान में ही बहती है, ठीक है। और ये तो इसको स्किप करते हुए बढ़ते हैं आगे। देखिए, इंडिया की जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन थी गतिमान एक्सप्रेस, तो जिसकी स्पीड 160 किलोमीटर थी, अब कह रहे हैं कि ये अब इसका रूट थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया, आगरा ग्वालियर झांसी रूट, लेकिन अब इसकी स्पीड जो है वो स्लो हो गई है, वो सिर्फ अब 130 किलोमीटर पर आवर ही रह गई है, राइट। तो एक ये गतिमान एक्सप्रेस आप याद रखिएगा, ये पिछली बार ये चर्चे में थी, इंडिया की सबसे ये फास्टेस्ट ट्रेन हो गई थी, 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसने रनिंग की थी, राइट। और देखिए, एक हाई कोर्ट कैन रीलुक इनटू फेक इनकाउंटर। तो फिर से ये जो सोहराबुद्दीन शेख का केस है, सोहराबुद्दीन शेख केस से ही जुड़ा हुआ जस्टिस लोया का केस है, ठीक है, क्योंकि इसमें अमित शाह का नाम है सोहराबुद्दीन फर्जी के इनकाउंटर केस में, ठीक है ना। तो इसमें ये कह रहे हैं कि एक जज ने कहा है, मुंबई के ये जज हैं, तो मिस्टर थिपा से इन्होंने कहा है कि इसमें फिर से एक तरीके से कंट्रोवर्शियल चुकी यह है, तो इसमें एक बार फिर से जांच की जा सकती है, ठीक है।
राइट, देखिए इन्होंने ये कहा है थिप्से सेइंग दैट हाई कोर्ट हैज़ सो मोटो पावर टू लुक इनटू द डिस्चार्ज एप्लीकेशन एंड फ्रेम चार्जेस अगेंस्ट द एक्यूज, राइट। तो ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट इसमें संज्ञान ले सकता है खुद सो मोटो, और उसमें जो एक्यूज हैं उनके खिलाफ चार्जेस जो है उसमें फिर से उसकी जाँच की जा सकती है, राइट। तो ये इशू फिर से एक बार सुर्खियों में है। और ये देखिए एसाइटिलीन जो है वो लीक हुई है, एसाइटिलीन लीक लेड टू द ब्लास्ट ट्रांसशिप फाइंड्स इनिशियल प्रोब, राइट। तो जो तो एक ब्लास्ट टाइप का हुआ था अभी वेडनेसडे को, राइट, तो कोचिन शिपयार्ड पे। तो उसमें ये कह रहे हैं कि ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ये पता चला है कि ये एसाइटिलीन लीक की वजह से हुआ था, ठीक है। इसके अलावा देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये इन्होंने सीसीटीवी कैमरों की डिमांड की थी, तो ये कह रहे हैं कि ये कैमरे हमने सिक्योरिटी पर्पस से लगाने के लिए मांगे हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि मे सोनली इसका ये पर्पस है सिक्योरिटी, और कह रहे हैं कि जो कोर्ट की प्रोसीजर्स है उसकी रिकॉर्डिंग का इनका मकसद नहीं है, ठीक है। तो ये रिकॉर्डिंग प्रोसीडिंग के लिए नहीं यूज़ होंगे, ठीक है, और ये सिर्फ सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीसीटीवी कैमरा सो दैट कंसर्न्स रिगार्डिंग सेफ्टी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कुड बी एड्रेस, ठीक है। तो मेन मकसद इनका सिक्योरिटी का ही है, राइट। और ये केसेस अगेंस्ट मी पॉलिटिकल सेस फडनवीस, ये कह रहे हैं कि देखिए जितने सीएम हैं सबसे ज़्यादा इन पे केसेस हैं, राइट। तो 22 केसेस इन पे हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ द क्रिमिनल केसेस इन पे हैं। तो ये कह रहे हैं कि सारे जो केसेस हैं वो पॉलिटिकल मुझ पे मतलब पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, राइट। अगली न्यूज़ देख रहे थे, प्राइस कैप ऑन हिप इम्प्लांट्स अवेटेड, राइट। तो अभी आप लोगों को पता होगा स्टेंट्स के प्राइस कैपिंग का काम हुआ, तो इसके बाद अभी उम्मीद की जा रही है कि जो हिप इम्प्लांट है उस पे भी कैपिंग लगाई जाएगी, राइट। तो कह रहे हैं कि अभी जो हिप इम्प्लांट में 40,000 रुपये से आता है फॉर बेसिक सीमेंटेड इम्प्लांट, और 1 लाख रुपये करीब आता है फॉर फोर्थ जनरेशन सिरेमिक हेड इम्प्लांट, राइट। तो रिवीजन ऑफ इम्प्लांट सर्जरी कास्ट बिटवीन 3 से 4 लाख, ठीक है। तो ये इतने पैसे खर्चा होते हैं अभी, तो उसी पे कह रहे हैं कि अब इन लोगों को उम्मीद है कि अब हिप प्लांट पे भी कैपिंग होगी, राइट। क्योंकि देखिए ये इतना महंगा, इस पे काफ़ी खर्च आता है, तो इससे जुड़े लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस पे भी अब कैपिंग का काम किया जाएगा, राइट। और ये एडिटोरियल, ये देखिए आर्मी ने कहा है कि वी डोंट कम्युनलाइज ट्रूप्स, एक्चुअली इन्होंने रिप्लाई किया है एमआईएम जो चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि जो 5 लोग मारे गए थे अभी, तो वो चूंकि मुस्लिम थे जो शहीद हुए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि इन 5ों के बारे में अभी तक किसी ने कोई ट्वीट नहीं किया, पीएम ने कुछ नहीं कहा, तो उसी पे इन्होंने रिप्लाई किया था कि वी डोंट कम्युनलाइज ट्रूप्स, राइट। ये कह रहे हैं कि आर्मी में धर्म नहीं देखा जाता। और कांग्रेस ने देखिए जवाब दिया है पीएम मोदी की वीडियो का, इन्होंने आड़े हाथों लिया है भारत की पाकिस्तान की नीतियों पर, राइट, सीज फायर वायलेशन पे, क्योंकि 2014 में मोदी ने काफ़ी आरोप लगाए थे, तो ठीक वही क्वेश्चन जो था वो अब उन्होंने उल्टे मोदी से पूछा है, राइट। और अगली न्यूज़ देख लेते हैं, प्रसार भारती अब चाहता है, प्रसार भारती सेंटर ऑन कोलिजन कोर्स, तो मिनिस्ट्री चाहती है कि प्रसार भारती में अब आईएएस चुने जाए, राइट। जो इनके मेंबर होते हैं प्रसार भारती बोर्ड के, ये जो कह रहे हैं कि ये चाहते हैं कि उसमें अब आईएएस को सिलेक्ट किया जाए, ठीक है। इसके अलावा एनआईए टू क्विज ऑफिशियल ऑफ नागालैंड सीएमओ, नागालैंड सीएमओ से देखिए एनआईए को ऐसे एनआईए ने 3 ऑफिशियल को वहाँ से समन किया है, राइट। उन पे ये आरोप है कि वो एनएससीएन जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट बैंड ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ का, बहुत बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एनएससीएन के, तो ये कह रहे हैं कि इनको ये फंड जो है वो डाइवर्ट करते हैं, राइट। तो 3 पीपल जो है सीएमओ ऑफिस से ये समन किए गए हैं एनआईए के द्वारा, राइट। तो उन पे ये आरोप है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में हियर प्ली टू टेक अप 2 चिल्ड्रेन पॉलिसी, राइट। तो एक प्ली दायर की गई थी, तो उस पर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है, और उनकी डिमांड ये है कि चूंकि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है,
तो ये PIL इसीलिए दायर की गई है ताकि टू, जो चाइना में जैसे वन चाइल्ड पॉलिसी था वैसे इंडिया में करें टू चाइल्ड पॉलिसी, नॉर्म्स होना चाहिए, ठीक है, मतलब सिर्फ आप दो बच्चे ही रख सकते हैं। और ये मणिक सरकार है, ये त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर। और रूहानी विजिट सिग्नल, देखिए रूहानी जो है, हसन रूहानी ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं, वो 15 to 17 फरवरी को विजिट करने वाले हैं इंडिया को, राइट। तो ये कह रहे हैं कि देखिए बिल्कुल एक महीने के बाद, जबकि एक इनके बिल्कुल राइवल हैं इसराइल, इसराइल का बिल्कुल राइवल है ये, राइट। तो ये कह रहे हैं कि जब ठीक एक महीने के बाद, जब नेतन्याहू यहाँ पे आए हुए थे उसके बाद, अब ये एक महीने बाद ये हसन रूहानी ये विजिट करने वाले, राइट। तो ये कह रहे हैं कि इन लोगों के बीच मेनली ट्रेड, कनेक्टिविटी और बैंकिंग और एनर्जी से रिलेटेड ये बातें हो इसमें होंगी, राइट। ये सारे प्रोजेक्ट शामिल हैं इस विजिट में। इंडिया सफर सपोर्ट फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इराक। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के, एमजे अकबर ने कहा है कि इंडिया जो है इसने मदद के लिए ऑफर किया है वहाँ पे, चूंकि हालात अभी अच्छे नहीं चल रहे तो वहाँ के रिकंस्ट्रक्शन में इराक को ठीक है ना, इराक की मदद के लिए इंडिया ने हेल्प की ऑफर की है, ठीक है। अकबर से कंट्री विल कम अप विथ प्रोजेक्ट स्पेसिफिक पर्पस, राइट। तो आपको पता होगा इराक में अभी जब वार हुई थी तो बिल्कुल बादशाह ही हो गया है, तो इंडिया रिकंस्ट्रक्शन के लिए हेल्प करना चाहता है वहाँ पे। और ये देखिए स्पेशल प्रमोशन बोर्ड फॉर नेवी ऑफिसर, राइट। देखिए हुआ ये था कि एक आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल ने इंस्ट्रक्ट किया है नेवी को कि आप एक स्पेशल प्रमोशन बोर्ड बनाइए SS लथुरा। SS लथुरा एक न्यूक्लियर सबमरीन इंजीनियर है, राइट। और इन्होंने ये आरोप लगाया है कि ये निपोटिज्म का शिकार हो गए, ठीक है, और उसकी वजह से इनका कैरियर ख़त्म हो गया, राइट, ठीक है ना। तो इन्होंने ये कहा कि मतलब इनकी वजह से, निपोटिज्म की वजह से इनका करियर बर्बाद हो गया। तो उसी पे ये आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल ने नेवी को इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप इनके लिए एक स्पेशल प्रमोशन बोर्ड बनाइए, ठीक है। तो ये ट्रिब्यूनल का आर्डर है। और अगली न्यूज़ देख लेते हैं। देखिए ट्रंप ने फिर से वही अपना राग अलापना शुरू कर दिया, और इन्होंने कहा है कि हम सैंक्शन लगाएंगे चाइना पे और साउथ कोरिया की जो ट्रेड जो डील है उस पर भी उसको स्क्रैप कर देंगे, ठीक है। तो फिर से देखिए उन्होंने कहा है कि वार्न किया है, थ्रेटेंड रिटेलिएशन एक्शन अगेंस्ट टू मेजर एशियन ट्रेडिंग पार्टनर्स ट्यूजडे वार्निंग, सैंक्शन अगेंस्ट चाइना वाइल वोविंग टू डिवाइज और स्क्रैप फ्री ट्रेड डील विथ साउथ कोरिया, राइट। और इन्होंने देखिए चाइना पे आरोप ये भी लगाया, इन्होंने कहा कि डेसिमेटिंग अमेरिकन स्टील एंड एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो इनकी पुरानी सब आदतें हैं, फिर से ये अपने वो उसमें आ गए। और साउथ कोरिया, चूंकि अभी नॉर्थ कोरिया के साथ इनके अच्छे रिलेशन चल रहे हैं, अभी वहाँ पे नॉर्थ कोरिया इनके साथ अभी आपको पता होगा किम जोंग यंग उसने अपनी बहन को साउथ कोरिया भेजा था, तो उस पे ये लग रहा है फिर से चिढ़ गए। और इन्होंने वहाँ से कह रहे हैं कि हम सारे डील जो है वो उसको स्क्रैप कर देंगे और चाइना पे सैंक्शन लगा देंगे, राइट। इसके अलावा ये एक इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट नहीं इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि इसराइली पुलिस ने नाम लिया है टाटा का। टाटा का इसलिए नाम लिया है कि अभी जो नेतन्याहू वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उन पे कुछ आरोप लगे हुए हैं करप्शन के, राइट। और उन पे आरोप है कि ये कुछ बाहर के लोगों से इन्होंने गिफ्ट वगैरह लिए हुए हैं और उसमें हॉलीवुड वगैरह के स्टार्स के नाम शामिल हैं। तो उसमें एक पुलिस वालों ने टाटा का भी नाम लिया है, लेकिन टाटा के ऑफिस से कहा गया है कि ये ग्रॉसली इनकरेक्ट रेफरेंस है, टाटा का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और ये है, हमने कल डिस्कस किया था एनसी टू सेक जुमा वाया नो कॉन्फिडेंस वोट, राइट। तो जैकब जुमा को हटा के अब ये जो वहाँ पे नए प्रेसिडेंट को बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये कह रहे हैं कि इनको हटा के ये नो कॉन्फिडेंस वोट के थ्रू उनको हटाया जाएगा, राइट। देखिए इंडिया कह रहे हैं कि रिव्यू करने वाला है एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ ऑन चाइनीज़ स्टील विल इम्पोर्ट, राइट। तो चूंकि चाइनीज़ के साथ हमारा जो है वो डेफिसिट काफ़ी है, राइट, तो उसी को कह रहे हैं द मूव कम्स इन द बैकड्रॉप ऑफ द इंडियाज़ ह्यूज ट्रेड डेफिसिट वाइल चाइना, ठीक है। तो 51.1 बिलियन का ये कह रहे हैं कि ये डेफिसिट है, तो इंडिया चाहता है कि एक मतलब जो हमारी एंटी डंपिंग ड्यूटीज जो है वो भी स्टील के मामले में उसको एक बार रिव्यू करना चाहता है। और स्टील के मामले में अभी देखिए US ने भी चाइना पे सैंक्शन के आरोप लगाए, ठीक है। तो चूंकि ये काफ़ी डंपिंग करता है ये चाइना
अपनी स्टील की, तो उस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी को रिव्यू करने वाला है, राइट। अगली न्यूज़ देख लेते हैं, सेंटर टारगेट इंडस्ट्री टू सेव पावर। तो सेंटर ने अभी एक स्कीम चलाई थी, आप लोगों को पता होगा, EECL के द्वारा स्कीम चलाई गई थी। EECL क्या है? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। तो इसमें हुआ था जो कि जो जो कन्वेंशनल जो बल्ब वगैरह होते थे उनको हटा के LED का इन्होंने LED को LED से उनको रिप्लेस किया था, ताकि एनर्जी को सेव किया जा सके, राइट। क्योंकि ये काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट होते हैं LED बल्ब जो होते हैं। तो इससे कह रहे हैं कि 6,000 मेगावाट हम सेविंग की का टारगेट थे, ठीक है ना। एम सेट 6,000 सेविंग बाई क्रिएटिंग मार्केट ऑफ एनर्जी एफिशिएंट मोटर, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि मतलब LED इस स्कीम के सक्सेस के बाद अब ये कह रहे हैं कि एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स लाने वाले हैं, जिससे ये 6,000 मेगावाट ये एनर्जी सेव करेंगे, राइट। तो इस सक्सेस स्कीम के बाद अब ये मोटर की तरफ एक मोटर को भी मतलब उसमें शामिल कर रहे हैं, राइट। तो एक एनर्जी को सेव करने का तरीका है। और ये देख सकते हैं, ये UK का ग्लास हाउस है, और इसमें ढेर सारी आप लोगों को प्लांट की वैरायटीज़, 1,000 वैरायटीज़ इसमें मिल जाएंगी, 1,000 स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड बिफोर इट वॉज शट इन 2013, राइट। तो ये देखिए, टेम्परेट हाउस भी कहते हैं इसको, राइट। और ये सारी चीज़ें, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट।